हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल केबर्ड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से हम टेक्निकल एनालाइज के माध्यम से समझने वाले हैं इस वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हम तीन करेंसी पेयर के बारे में जानेंगे, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई इस वीक में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है इसके बारे में टेक्निकल एनालाइज के माध्यम से हम समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी आगे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहां से सबसे पहले मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट यहां से ओपन किया है और 4 आवर का टाइम फ्रेम यहां से सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहां पे आप टाइम फ्रेम दिखाते हैं आपको, 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहां से सिलेक्ट किया है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग एक टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं यूरो यूएसडी में। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इसीलिए आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इजीली हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से अभी रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी एक और भी एक्स्ट्रा ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ से ये देखिए दोस्तों, मैंने एक और भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से दोस्तों, आप भी आप देखेंगे, थोड़ा मैं चार्ट को जूम आउट कर ले रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, रेंज के अंदर ही अप डाउन करता हुआ आपको नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नहीं मिला है। तो दोस्तों देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया मार्केट ने, सेकंड टाइम एंड यहाँ पे थर्ड टाइम के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड टाइम में दोस्तों हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से मार्केट हमारे लिए एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस वीक में। जैसे मार्केट ब्रेकआउट करता है और थोड़ा रिट्रेस करने आया तो दोस्तों हम यहाँ से हमारे ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करें तो दोस्तों इजीली हम इस लेवल का टारगेट यहाँ से इस लेवल के आसपास टारगेट इजीली रख सकते। ठीक है, इसके साथ दोस्तों अगर एक और भी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन अगर हम यहाँ से लेना चाहें तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से आपके लिए एक डाइवर्जन भी देखने को मिल जाएगा जो कि एक MACD का यहाँ पर जो मैंने है MACD यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है MACD इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप देखिए एक डाइवर्जन भी आपको नज़र आ गया MACD में। देखिए प्राइस यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है और MACD की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं एक अप डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस वीक में अप डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम एक और भी कन्फर्मेशन लेना चाहें तो चलिए मैं आपको यहाँ से ले कर चलता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं दोस्तों और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इजीली आपको यहाँ से समझ में आएगा। मैं यहाँ से एक और भी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम एक और एक्स्ट्रा ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि मार्केट ने काफ़ी टाइम से यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। देखिए दोस्तों, यहाँ सपोर्ट लिया है मार्केट, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है और इसके बाद अगेन यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आया। तो यहाँ से दोस्तों अगर इस वाले एरिया को इसको ब्रेक डाउन करना है तो थोड़ा सा मार्केट को रिट्रेस करना होगा। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद कुछ इस लेवल तक आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो अभी हम यहाँ से इस वाले लेवल तक यहाँ से आप देखेंगे 2300 के आसपास का हम इजीली यहाँ से टारगेट ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से इस वीक में यूरो यूएसडी परफॉर्म कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी चार्ट के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ से जीबीपी यूएसडी का चार्ट मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है और अभी टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम ही है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया है जो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम एक और एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कुछ इस तरीके से हम एक और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ये देखिए, यहाँ से मैंने एक और ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा जो एक पैटर्न है ये भी कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न जैसा ही नज़र आएगा आपको। ठीक है, मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ये देखिए, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं हम, जूम आउट करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ से देखेगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर यहाँ पे फंसा हुआ था।
और अभी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे लिए क्या करना है, ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन थोड़ा सा अगर रिट्रेस करने आए मार्केट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, इसके बाद यहाँ से हमें बाय करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो टारगेट दोस्तों कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं, तो टारगेट के लिए दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो कि अब मार्केट के लिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये देखिए आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये देखिए, ठीक है, आप देख पाएंगे। तो इस लेवल का यहाँ से हम हमारा टारगेट बहुत ही इजीली रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ तक आए मार्केट, इसके बाद हमें सेलिंग की तरफ ही देखना है, ना कि बाइंग की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक में GBP USD परफॉर्म कर सकता है। अभी यहाँ से हमारे लिए एक बुलिश में ही मार्केट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ से अगर डाइवर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डाइवर्जन इसमें भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि एक MACD का लाइन हमने ड्रॉ किया है, MACD इंडिकेटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए प्राइस यहाँ पे डाउनसाइड ये देखने को मिल रहा है आपको, और जो MACD की लाइन है वो दोस्तों अपसाइड में देखने को मिल रही। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी हमारे लिए एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से इस वीक में हमारे लिए GBP USD पेयर में एक बाइंग तरफ देखने को मिल। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं USD JPY पेयर के बारे में। तो चलिए यहाँ से मैं ओपन कर ले रहा हूँ USD JPY। तो दोस्तों यहाँ से मैंने USD JPY पेयर को ओपन कर लिया है। जैसे कि दोस्तों हम काफ़ी टाइम से यहाँ से मार्केट को वॉच कर रहे थे और अभी काफ़ी टाइम से दोस्तों मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूमता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, लेकिन इस वीक में दोस्तों आपने देखा यहाँ से हमारे लिए ब्रेक डाउन देखने को मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे पिछले वीक में मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट अभी रिट्रेस करने भी आ चुका है। तो यहाँ पे अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दोस्तों डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इस वाले लेवल पर यहाँ पर हमारे लिए एक रिजेक्शन जैसा देखने को मिलता है, इस वाले लेवल पे अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फाइनली हमें यहाँ पर सेलिंग की तरफ ही देखना है। ठीक है, ना कि बाइंग की तरफ। ठीक है, सेलिंग की तरफ ही आपको यहाँ से देखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम और भी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन यहाँ से लेना चाहें तो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे जो कि मार्केट एक रजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। चलिए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम एक रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए इस वाले लेवल पे आपको यहाँ नज़र आएगा, यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आप सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। इसके बाद फाइनली दोस्तों आप देखेंगे मार्केट ने जो एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है और अभी यहाँ पे रिट्रेच करने के लिए आया। तो यहाँ से दोस्तों अगर हमारे लिए जैसे कि मैंने आपको बताया अगर रिएक्शन देखने को मिलता है तो फाइनली हम हमारे ट्रेड को यहाँ पर सेल बाय डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं और जो टारगेट है टारगेट दोस्तों ईजिली कुछ इस लेवल का हम यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, इस लेवल का हम यहां से टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से GBP USD इस वीक में परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से इस वीक में EURUSD, GBP USD, USD JPY तीनों करेंसी पेयर किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, थोड़ा कुछ आपको लर्निंग को सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी ही आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर नई और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।